एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा देखिए हमने तीन तीन प्रकार के कलर लिए हैं तो हमने इससे कट की है एक इंच की पट्टियाँ इस तरीके से एक इंच की पट्टी कट की है और हमने ली है ग्यारह नंबर की सिलाई इस तरीके से इसी से हम डोरमेट बनाना स्टार्ट करेंगे चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए इस तरीके से सबसे पहले तो हम इस तरीके का गोल राउंड शेप में एक डोरमेट बनाएंगे इसी से हम लुका छुपी डिज़ाइन बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए इस तरीके से आप तीन कलर में चार कलर में जैसे चाहे आप इस तरीके से गोल राउंड आप जितना चाहे उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं आप इसे मैक्सिमम मैक्मम पैंतीस फंदे में बनाइए और बाकी टेन फंदों में इसके डिज़ाइन बनेगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए इस तरीके से पहले हम डोरमेट लेंगे देखिए हमने ये डोरमेट लिया और यहाँ से देखिए इस तरीके से जहाँ से हमने इसे सिलाई की है जहाँ से स्टार्ट किया था देखिए वहीं से स्टार्ट करना है यहाँ से हमें इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से धागा लगाएंगे और यहाँ पे एक फंदा पढ़ाएंगे इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक फंदा हो गया हमारा दो तीन और यहां पे हर एक रो में देखिए इस तरीके से चार पांच और यहां पे एक और लेंगे देखिए इस तरीके से छः इस तरीके से हम सिक्स फंदे लेंगे और देखिए यहां से तरीके से एक दो तीन चार पच और छः देखिए इस तरीके से हम सिक्स पंदों को इसी तरीके से बुनेंगे देखिए यहां से हमने एक रो बना ली अब यहां से हम पलट लेंगे इस तरीके से आप देखिए यहाँ से फिर से हम एक दो तीन चार पाँच और छः देखिए यहाँ से पलट लिया अब यहाँ से हम पलट लेंगे पलटने के बाद फिर से हम इस धागे को उतारेंगे नेक्स्ट धागे से बुनाई करेंगे एक दो तीन चार और यहाँ से किनारे का फंदा हम सीधी साइड से लेंगे पाँच अब इस धागे को उतारेंगे नेक्स्ट धागे से हम करेंगे बुनाई एक दो तीन चार और सीधी साइड से लेंगे पाँच यहाँ से पलट लेंगे फिर से एक दो तीन चार और ये सीधा साइड से लेंगे देखिए इस तरीके से सीधी साइड से लिया और यहाँ से पलट लिया फिर से हम इस तरीके से बिल्कुल नया डिज़ाइन है तो कंप्लीट देखिएगा तभी समझ में आएगा कंप्लीट नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा देखिए अब यहाँ से इतने फंदे हमने बुने आप देखिए यहाँ से फिर से इस धागे को उतारेंगे नेक्स्ट धागे से हम बुनाई करेंगे एक दो तीन चार पाँच और यहाँ से पलट लिया अच्छा इसी प्रकार से हम थोड़ी रो बना लेंगे आठ दस रो बनाने के बाद दिखाएंगे अब देखिए इस तरीके से हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह रो बना ली बराबर न कोई फंदा घटाया ना बढ़ाया बराबर की ग्यारह रो बनानी है उसके बाद देखिए यहाँ से एक दो तीन चार और एक पाँच अब इस फंदे को हमें छोड़ना है और यहीं से पलट लेना है आप देखिए यहाँ से फिर से हम इस फंदे को बुनेंगे और इस तरीके से सभी फंदों को बुनेंगे अब यहाँ से सीधी साइड से लेंगे और पलट लेंगे पलटने के बाद धागे को उतारेंगे नेक्स्ट धागे से एक दो तीन बुनेंगे और यहीं से पलट लेंगे फिर से हम यहाँ से एक दो तीन और सीधी साइड से लेंगे और पलट लेंगे देखिए इस प्रकार से एक दो तीन और यहाँ से पलट लेंगे फिर से एक दो सीधा लिया और पलट लिया फिर से इस धागे को उतारेंगे और एक धागा देखिए एक हम पंदा बुनेंगे और यहीं से पलट लेंगे पलटने के बाद अब यहाँ से देखिए इस धागे को बुनेंगे और सीधी साइड से लेंगे इस तरीके से और फिर से हम इस तरीके से देखिए यहाँ से इसको तो उतारेंगे और, 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 और एक दो तीन चार और इसे सीधी साइड से लेंगे किनारे का फंदा हमेशा ध्यान रखें सीधी साइड से लें और यहाँ से हम पलट लेंगे फिर से हम उतारेंगे और एक दो तीन चार और यहाँ से पलट लेंगे सीधी साइड से लेंगे देखिए यहाँ पे सीधी साइड से लेंगे और इस तरीके से देखिए अब इसी तरीके से एक एक करके हम तीन चार इस तरीके से, से हमने एक कली बनाई एक दो तीन चार पांच कली इसी तरीके से चार कलियाँ बनाएंगे फिर दिखाएंगे देखिए अब हमने इसकी एक दो तीन चार पाँच पाँच रो हमें इस तरीके से हमने बना ली और यहाँ से देखिए अब यहाँ से एक दो तीन चार और एक ये देखिए यहाँ से पाँच और पलट लिया सीधी साइड से लिया फिर से देखिए इस धागे को उतारेंगे नेक्स्ट धागे से एक दो तीन चार पाँच और यहाँ से पलट लेंगे छ इस तरीके से फिर से देखिए यहाँ पे किनारे का धागा उतारेंगे नेक्स्ट धागे से देखिए अब यहाँ से इस तरीके से बुनेंगे और यहां से पलट लेंगे अब इसी तरीके से हमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना घटाना है बराबर से हमें चार रो बनानी है अब देखिए इस तरीके से हमने इसकी चार रो बना ली और यहां से देखिए दो का एक करेंगे फिर से हम दो का एक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिर से दो का एक करेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम दो का एक करेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से हम एक नोट लगा देंगे यहाँ पे हमें एक नोट लगानी है इस तरीके से बचा हुआ धागा हमें इसी तरीके से छोड़ देना है आप देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमने इतनी रो कंप्लीट की अब यहाँ से देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जब बारह रो हमारी ये होंगे ये वाली डिजाइन होंगी उसमें हम सिक्स इस तरफ छोड़ते हुए यहाँ से देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ पे बारहवें फंदे से एक और देखिए इस तरीके से आगे करेंगे धागा और यहां से दो चार पाँच और एक ये क्योंकि हमने सिक्स फंदे को बनाया है तो यहाँ से हम छः फंदे लेंगे आप आठ रो तक की बनाएंगे तब भी काफ़ी सही बन के रेडी होगा देखिए यहाँ से अब यहाँ से हम क्या करेंगे इस तरीके से पलट लेंगे अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम इस रो को उतारेंगे नेक्स्ट रो से देखिए यहाँ से नेक्स्ट फंदे से हम सिलाई बुनाई करेंगे इस तरीके से और ये देखिए कंप्लीट फंदे बुनेंगे और यहाँ से पलट लेंगे सीधी साइड से लेंगे देखिए इस तरीके से और यहाँ से पलट लेंगे इसी प्रकार से जैसे हमने इसमें बताया है इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक रो बनाएंगे इसी तरीके से कंप्लीट पुनेंगे देखिए इसी प्रकार से हम इसकी दस ग्यारह रो बना लेते हैं फिर दिखाते हैं अब देखिए यहाँ पे हमने जिस तरीके से इसकी कली बनाई है यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसकी कली बनाई है कंप्लीट इसी तरीके से अब हमें इस कली को कंप्लीट बुनना है देखिए यहाँ से उसी तरीके से आगे भी बुनना है ये देखिए और इस कली को यहाँ पे ज्वाइंट करना है इसी तरीके से बना लेते हैं फिर दिखाते हैं